पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के संकट को लेकर बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया। दरअसल हरीश रावत ने कहा कि भले ही नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन पंजाब सरकार के कई मंत्री सिद्धू को मिली नई जिम्मेदारी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इतना ही नहीं, रावत ने बताया कि अभी फिलहाल कैप्टन और सिद्धू के बीच का तालमेल भी ठीक नहीं, जिससे पता चलता है कि फिलहाल पंजाब कांग्रेस का संकट अभी टला नहीं है। खबरों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल अपना नरम रुख दिखाते हुए अपने विरोधी नेताओं के साथ मेलजोल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत का कितना बड़ा आंकड़ा छू पाती है और विरोधी पार्टियों को किस तरह धूल चटाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरह पंजाब चुनाव से पहले हरीश रावत ने जो खबर दी है, इससे कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।